फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सब्जेक्ट टू का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम सब्जेक्ट टू का यूज कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करते हैं। सब्जेक्ट टू का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि अफेक्टेड बाय या अंडर द अथॉरिटी ऑफ। फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट टू का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई इंसान किसी के बस में है, या कोई चीज किसी के अधीन है, या कोई इंसान या कोई चीज किसी के ताकत के अंदर है। लगता है आप समझे नहीं, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। मेरा पहला एग्जांपल है, केरला इज सब्जेक्ट टू फ्लड। तो यहाँ सब्जेक्ट टू का मतलब है कि केरला फ्लड से अफेक्टेड बाय है, यानी केरला फ्लड से प्रभावित है, या उसके बस में है, या उसके अधीन है। लिखा हुआ है लर्निंग इंग्लिश इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि जो इंग्लिश सीखना है वो प्रैक्टिस के अधीन है, या प्रैक्टिस के बस में है, या प्रैक्टिस के दबाव में है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। दिस डील इज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट्स। यह डील मुनाफे से प्रभावित है, या मुनाफे के अधीन है, या मुनाफे के बस में है, यानी अगर मुनाफा नहीं होगा तो ये डील कैंसिल हो सकती है। सी इज सब्जेक्ट टू डिप्रेशन। वह डिप्रेशन से अफेक्टेड बाई है, यानी वह इस चीज से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, मुतासिर हो जाती है, या इसकी तरफ खींचे चली जाती है। या छोटा में आप ये भी समझ सकते हैं, वह डिप्रेशन के बस में है, यानी डिप्रेशन उसके ऊपर हावी है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू का यूज हम तभी करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई किसी के बस में है, या कोई किसी के कब्जे में है, या कोई किसी के अधीन है। कैंसर इज सब्जेक्ट टू स्मोकिंग। जो कैंसर है वो स्मोकिंग से अफेक्टेड बाई है, यानी कैंसर स्मोकिंग के अधीन है, या उसके बस में है, या उससे प्रभावित है। मिनिस्टर्स आर सब्जेक्ट टू द लॉ। मिनिस्टर्स कानून के अधीन है, या कानून के बस में है, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर्स जो चाहे वो कर लेंगे। उन लोगों के ऊपर कानून है और वो लोग कानून के कब्जे में हैं, या कानून के बस में हैं, या कानून के अधीन है। ही इज सब्जेक्ट टू हाई ब्लड प्रेशर। इस सेंटेंस का मीनिंग है फ्रेंड्स, वो हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड बाई है, यानी वह हाई ब्लड प्रेशर के दबाव में है, या उसके कब्जे में है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सब्जेक्ट टू का यूज समझ में आया कि सब्जेक्ट टू मींस किसी के बस में होना, या किसी के दबाव में होना, या किसी के अधीन होना। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। बताएं, अगर लिखा हो लीडर्स आर सब्जेक्ट टू ग्रीड, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।